लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को फिर लगा है झटका। बालाघाट में कई कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दिग्गज नेता अनुराग चतुर्मोता भी बीजेपी में शामिल हो गए। अजय मिश्रा, कैलाश जैन भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। 300 कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकालकर बीजेपी ज्वाइन की है। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे ने दिलाई सदस्यता। एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे पर बयान दिया है। कहा कि केंद्रीय नेतृत्व उम्मीदवारों का फैसला करेगा। टिकट वितरण को लेकर दिल्ली हाईकमान ही तय करेगा कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। टिकट वितरण में क्या फिर चौंकाने वाले नाम होंगे, इस सवाल पर वीडी शर्मा ने कहा कि कुछ भी हो सकता है। संबोधित करेंगे और साथ ही समापन सत्र होगा राष्ट्रीय अधिवेशन का, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन का पंजीकरण कल दोपहर से 17 फरवरी से 11 बजे से शुरू होगा। 3 बजे उद्घाटन सत्र होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन 18 फरवरी 2024 को दोपहर 2 बजे तक माननीय प्रधानमंत्री जी के समापन संबोधन के साथ समाप्त होगा। अनूपपुर के अमरकंटक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 55 करोड़ 24 लाख से ज्यादा के विकास योजनाओं की सौगात दी। लोक निर्माण विभाग की विकास योजनाओं का भी सीएम ने लोकार्पण किया। इससे पहले मोहन यादव ने नर्मदा जयंती पर नर्मदा मंदिर में पूजा अर्चना की। आइए श्रीमान जी बेटा। मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे कमलनाथ पार्टी में हाशिए पर आ गए हैं। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद प्रदेश कांग्रेस की बागडोर उनके हाथ से चली गई। राज्यसभा जाने की उनकी मांग नहीं मानी गई, इसलिए बीजेपी कह रही है कि एमपी कांग्रेस में कमलनाथ युग का समापन हो गया है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस ऐसी किसी भी बात से इनकार कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में कमलनाथ एक ऐसा चेहरा जिसने दिग्विजय सिंह के बाद पार्टी को प्रदेश की सत्ता तक पहुंचाया। ये अलग बात है कि वक्त का पहिया घूमा और महज 15 महीने में वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रह पाए। उसके बाद सूबे में सत्ता के सूखे की दरार कांग्रेस के लिए चौड़ी होती है। अब प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे कमलनाथ किनारे हो गए। ये कहना है मौजूदा वक्त में प्रदेश की बागडोर संभालने वाली पार्टी बीजेपी का। सत्ताधारी पार्टी कह रही है मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ युग का समापन हो गया है। लगता है मध्य प्रदेश कांग्रेस से कमलनाथ युग का समापन हो चुका है और इसलिए कांग्रेस ने उनके नाम पर विचार नहीं किया होगा। पहले ही उनके हाथ से प्रदेश अध्यक्ष की कमान ली जा चुकी है। बीजेपी के इस बयान के पीछे कई वजह हो सकती है। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे तब गुटबाजी ने पार्टी का बंटा धार किया। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शतरंज की ऐसी कोठियां बिछाई कि कांग्रेस कहीं की नहीं रही। जैसा कि अमूमन होता है, हार के बाद पार्टी में बदलाव की आवाज उठी। प्रदेश संगठन में बदलाव हुआ, कमलनाथ वरिष्ठ नेता बनकर रह गए। कहा गया कि राज्यसभा जाने के लिए कमलनाथ ने आलाकमान के दरवाजे पर दस्तक दी थी, लेकिन पार्टी ने अशोक सिंह को उच्च सदन भेजने का फैसला किया। हालांकि कांग्रेस कमलनाथ को किनारे लगाए जाने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। कोई बात नहीं है, कमलनाथ जी के ही प्रस्ताव पर उनको राज्यसभा टिकट मिला है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का दावा करती है। इसके साथ ही जमीन पर उतरकर एड़ी चोटी का जोर लगाना भी शुरू कर दिया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे जिन्हें लेकर बरकरार असमंजस विपक्ष की स्थिति बयां कर रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद लोकसभा चुनाव में करिश्माई प्रदर्शन पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट।